गधे की ये चार अनमोल बातें जीवन भर याद रखना, बुरे वक्त से आपको निकाल कर ले जाएंगी और कभी संकट नहीं आने देंगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वह अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। उसकी गरीबी ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि उसने अपना घर छोड़कर काम की तलाश में जाने का निश्चय किया। वह सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ों के झुरमुट और पगडंडियों से गुजरते हुए वह एक कीचड़ भरी जगह पर पहुंचा। अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। हे भाई, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर वह रुक गया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि कीचड़ में एक गधा फंसा हुआ था। गधा कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वह निकलने की कोशिश करता उतना ही और गहरे फंस जाता। गरीब आदमी को पहले तो यह देखकर अजीब लगा कि एक गधा बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो? गधे की अजीब पेशकश, गधा बोला, भाई मैं साधारण गधा नहीं हूं, मैं तुम्हारे भाग्य का प्रतीक हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे और मुझे इस कीचड़ से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें चार ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन के हर बुरे समय में तुम्हारे काम आएंगी। इन बातों से तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गरीब आदमी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह गधा सच कह रहा है तो शायद यह मेरी जिंदगी बदलने का मौका है, और अगर यह झूठ बोल रहा है तो भी इसे बचाना तो मेरा फर्ज है। गधे की मदद गरीब आदमी ने अपनी सारी ताकत लगाकर गधे को कीचड़ से बाहर निकाला। वह कीचड़ में फिसलता रहा, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार गधा कीचड़ से बाहर आ गया। गधे ने बाहर आते ही गर्दन झटकी और बोला, भाई तुमने जो किया वह साधारण नहीं था, तुमने अपनी मेहनत और दया से मुझे बचाया। अब मैं तुम्हें चार ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। गरीब आदमी गधे को ध्यान से देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण गधा नहीं था। उसकी चमकती आंखें और शांत स्वर यह बताने के लिए काफी थे कि यह गधा किसी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। गधा मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे भाग्य का प्रतीक हूं, तुम्हारी मेहनत और भलाई को देखकर मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं। मेरी चार बातें याद रखो और उनका पालन करो, तुम्हारा जीवन धन धान्य और सुख से भर जाएगा। तब वह गधा उसे एक कहानी सुनाता है। भाई ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण जिसे लोग रामदास कहते थे, अपनी पत्नी सीता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। रामदास अंधा था और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से अपने बेटे पर निर्भर था। अर्जुन की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी जानकी भी इस छोटे से परिवार का हिस्सा थी। हर सुबह अर्जुन एक गठरी लेकर गांव की गलियों में भीख मांगने के लिए निकलता था। दिन भर की मेहनत के बाद जो भी कुछ उसे मिल जाता था उसे वो शाम को घर ले आता था। चारों मिलकर उस खाने को बांटते थे और अपना पेट भरते थे। यही जीवन उनका बेहद कठिन था, लेकिन मजबूरी में सभी इसे सहन कर रहे थे। कुछ समय तक तो ये चलता रहा, लेकिन अर्जुन के लिए यह अपमान सहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि भीख मांगकर घर चलाना उसकी इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। एक दिन उसने इस समस्या से निजात पाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोला, जानकी मैं यहां रहकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं, हमें हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। जानकी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन अर्जुन अगर तुम चले गए तो हम सब यहां कैसे रहेंगे, तुम्हारे माता पिता को कौन संभालेगा? अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूं, तुम्हें मेरी गैर हाजिरी में मेहनत करनी होगी, और यह मत भूलना कि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है, उनकी सेवा में कोई कमी मत होने देना, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जानकी ने सिर झुकाकर हामी भर दी और अर्जुन ने अपने जाने की तैयारी शुरू की। उसने एक गठरी में थोड़ा सा खाना बांधा और परिवार से विदा लेते हुए कहा, मैं जल्दी ही लौटने की कोशिश करूंगा, आप सब अपना ध्यान रखना। मित्रों, अर्जुन ने गांव से बाहर कदम रखा और नई जगह की तलाश में निकल पड़ा। कई दिन तक वो पैदल चलता रहा, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करता हुआ, जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ
चलते चलते आखिरकार वो एक बड़े राज्य के प्रमुख शहर में पहुंच गया। यह शहर उसकी कल्पना से भी ज्यादा भव्य था। शहर में पहुंचकर अर्जुन भूखा और थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने एक दुकान के सामने जाकर विनम्रता से भीख मांगी। दुकानदार, जिसका नाम रघुनाथ था, उसने अर्जुन को ध्यान से देखा और पूछा, तुम कौन हो भाई, कहां से आए हो और भीख क्यों मांग रहे हो? अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं एक ब्राह्मण हूं, अपने माता पिता और पत्नी का पेट भरने के लिए यहां भीख मांग रहा हूं। हमारे गांव में मेरे लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने यहां आने का फैसला किया। रघुनाथ उसकी कहानी सुनकर द्रवित हो गए। उसने अर्जुन को समझाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को भीख मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहां के राजा बड़े दयालु हैं, तुम उनसे मिलो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके दरबार तक ले जा सकता हूं। अर्जुन ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली और अगले ही दिन रघुनाथ के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। संयोगवश उसी समय राजा को एक ऐसे ब्राह्मण की तलाश थी जो हाल ही में बने उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। जब राजा ने अर्जुन के बारे में सुना कि वो ईमानदार और धार्मिक है तो बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत अर्जुन को अपने सोने के मंदिर का संरक्षक बना दिया। राजा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भोजन और रहन सहन की पूरी व्यवस्था हमारी ओर से होगी। हर महीने तुम्हें 50 खरवार चावल और पर्याप्त धन मिलेगा। तुम्हारा काम मंदिर की देखभाल करना और उसकी पवित्रता बनाए रखना होगा। अर्जुन को अब भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से राजा का विश्वास जीत लिया था। उसने सोचा जल्द ही वो अपनी मेहनत से अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकेगा। मित्रों, घर से आए उसे 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी जानकी को उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली थी। वो दिन रात चिंतित रहती थी और सोचती थी, कहीं अर्जुन पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है, आखिर वो ठीक है भी या नहीं। घर की हालत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अर्जुन के बिना कोई भी परिवार के लिए खाने का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। जानकी ने सास ससुर को जैसे तैसे संभाला, लेकिन अब तो घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा था। एक दिन उसने अपने मन में निश्चय किया, अब और इंतजार नहीं, मुझे अर्जुन को ढूंढना होगा, मैं उसे खोजकर वापस लाऊंगी। जानकी ने घर में बची हुई चीजों को संभाला। सास ससुर से वादा किया कि वो जल्द लौटेगी और पति की खोज में निकल पड़ी। वो जंगलों और बस्तियों से होकर गुजरती, राह में लोगों से पूछताछ करती हुई कई दिनों तक भटकने के बाद किस्मत ने उसका साथ दिया और वो उसी राज्य में पहुंच गई जहां अर्जुन ने राजा के सोने के मंदिर का प्रभार लिया था। शहर में पहुंचकर उसने सुना कि राजा के सोने के मंदिर में हर सुबह भीख मांगने वालों को एक असरफी दी जाती है। ये जानकर उसने सोचा, क्यों ना मैं मंदिर जाऊं, शायद वहां अर्जुन की कोई खबर मिल सके। अगले दिन सुबह सुबह जानकी मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने देखा कि मंदिर के पास अर्जुन खड़ा है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वो दौड़कर उसके पास पहुंची और कहा, अर्जुन तुम यहां हो, तुम्हें पता है हम सब वहां कितने मुश्किल में हैं। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे माता पिता भी बहुत परेशान हैं। आखिर तुम हमें इस हाल में छोड़कर क्यों चले गए? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, जानकी मैं यहां सबके लिए कुछ बेहतर करने आया था। मैं चाहता था कि हमारी गरीबी खत्म हो, लेकिन तुम यहां क्यों आई हो? तुमने माता पिता को अकेले क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि वे नाराज होकर मुझे श्राप दे सकते हैं? जानकी ने दुखी स्वर में कहा, मैं अपने सास ससुर और तुम्हें भूख से मरते हुए नहीं देख सकती। घर की हालत बहुत खराब है, मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें खोजकर घर वापस नहीं बुलाया तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम मेरे पास रुको मत, ये लो। अर्जुन ने जल्दी से एक कागज निकाला और उसमें से कुछ लिखा, फिर वो कागज जानकी को देते हुए बोला, इस कागज को राजा के दरबार में ले जाओ, इस कागज में 4 अनमोल बातें लिखी हैं, शायद राजा इसे पढ़कर तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दे, ये तुम्हारी और मेरे माता पिता की मदद के लिए काफी होगा। जानकी ने वो कागज संभाल कर लिया और अर्जुन से विदा ली। जानकी ने रास्ते में कागज पर लिखी 4 लाइनें पढ़ी,
वे कुछ इस प्रकार थी। पहली लाइन, सावधानी बरतो। अगर कोई व्यक्ति यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पहुंच जाए तो उसे सतर्क रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहां कोई उसे नुकसान पहुंचा दे। दूसरी बात, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो उसे अपने दोस्त को परखना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो दोस्तों को खुद को परखने का मौका ना दे। तीसरी बात, अगर कोई अपनी बहन के घर अमीर बनकर जाता है तो उसकी बहन उसका खूब स्वागत करेगी, लेकिन अगर वो गरीब बनकर जाता है तो शायद उसकी बहन उसे पहचानने से भी इनकार कर सकती है। चौथी बात, किसी काम को करने से डरो मत, अपनी पूरी ताकत से उसे अंजाम दो और भरोसा रखो कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। जानकी उस कागज को लेकर अपने घर लौट आई। उसने अपने सास ससुर को अर्जुन से मिलने की बात बताई और वो कागज दिखाया। यह कागज बहुत कीमती है। अर्जुन कहता है कि राजा इसे पढ़कर हमें इनाम देंगे, अब हमें इसे राजा तक पहुंचाना होगा। उसने सास ससुर से कहा, हालांकि जानकी ने राजा के सामने खुद जाने का फैसला नहीं किया, इसके लिए उसने एक जान पहचान वाले व्यक्ति को चुना और राजा के पास उसे भेज दिया। जानकी ने सास ससुर को पूरी बात समझाई और उन्हें दिलासा दिया कि अर्जुन ने जो कागज दिया है वो उनके सारे कष्ट दूर कर देगा। हालांकि जानकी खुद राजा के सामने जाने से घबरा रही थी। उसने सोचा, अगर राजा को मेरी बात समझ में नहीं आई तो वो नाराज हो सकता है, बेहतर होगा कि ये कागज किसी भरोसेमंद व्यक्ति के जरिए राजा तक पहुंचाया जाए। उसने अपने एक जानकार व्यक्ति हरिराम को बुलाया। हरिराम गांव का एक समझदार और ईमानदार व्यक्ति था। जानकी ने उसे वो कागज सौंपते हुए कहा, भाई ये कागज राजा को दे आना। अर्जुन कहता है कि राजा इसे पढ़कर हमारी मदद करेगा, अगर राजा से कुछ धन मिले तो उसे लेकर लौट आना, ये हमारी मुश्किलें हल कर देगा। हरिराम वो कागज लेकर राजा के दरबार में जाता है। दरबार का माहौल राजसी ठाट बाट से भरा हुआ था। राजा सिंह दत्त अपने सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे और आसपास उनके मंत्री व दरबारी खड़े थे। हरिराम ने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज ये कागज आपके लिए है, इसे पढ़ने का निवेदन करता हूं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। राजा ने कागज लिया और ध्यान से पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने चार लाइनें पढ़ी उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या बेहूदी बातें लिखी हैं? क्या मेरा समय इन बातों के लिए फालतू है? क्या ये आदमी मुझे बेवकूफ समझता है? राजा ने गुस्से में हरिराम को आदेश दिया, इसे पकड़कर कोड़ों से मारो और दरबार से बाहर फेंक दो, मैं इस तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेचारा हरिराम भयभीत हो गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और कोड़ों से मारने के बाद दरबार से निकाल दिया। वो लहूलुहान हालत में जानकी के पास लौटा और उसे सारी बात बताई। जानकी बहन, राजा को यह कागज बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने मुझे सख्त सजा दी है और कुछ भी देने से मना कर दिया। हरिराम ने दुखी होकर कहा। हरिराम की यह बात सुनकर जानकी का मनोबल टूटने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, अर्जुन ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं हार नहीं मानूंगी, अब मैं खुद राजा के सामने जाकर यह कागज दूंगी, अगर मुझे भी सजा मिलती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन अपने परिवार की खातिर मुझे यह करना होगा। मित्रों, अगली सुबह जानकी ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने कपड़े ठीक किए और कागज हाथ में लेकर राजा के दरबार की ओर चल पड़ी। रास्ते में वो बार बार कागज पर लिखी वो चार बातें पढ़ती जा रही थी। वो सोच रही थी, यह सलाह तो इतनी व्यवहारिक और सच्ची है, राजा को इसे समझने में जरूर गलती हुई होगी, शायद मैं खुद इसे सही ढंग से समझा सकूं। जब जानकी दरबार के पास पहुंची तो उसकी मुलाकात राजा के बेटे राजकुमार चंद्रसेन से हुई। राजकुमार घुड़सवारी करके महल लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला कुछ पढ़ती जा रही थी तो उसने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम इसे बार बार क्यों पढ़ रही हो? राजकुमार ने जानकी से पूछा। जानकी ने सिर झुकाते हुए कहा, ये कागज मेरे पति ने राजा के लिए भेजा है, इसमें चार सलाह लिखी है, मुझे उम्मीद है कि राजा इसे पढ़कर मेरी मदद करेंगे। राजकुमार ने कागज लेकर पढ़ा और गंभीरता से उसे समझा। पढ़ने के बाद उसने जानकी से कहा, यह सलाह तो बहुत ही मूल्यवान है,
ये तुम्हारे पति ने लिखी है, ये तो वास्तव में अनमोल ज्ञान है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं। राजकुमार ने तुरंत कागज पर अपनी मुहर लगाई और जानकी को एक परवाना दिया। ये लो, इसे लेकर महल के खजाने में चली जाओ, तुम्हें 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजकुमार को धन्यवाद किया और खजाने की ओर चल पड़ी। खजाने से धन लेकर जानकी घर लौट आई। उसने सास ससुर को सारी कहानी सुनाई। परिवार को इतना धन देखकर विश्वास नहीं हुआ। जानकी ने कहा, यह सब अर्जुन की दूरदर्शिता और मेहनत का फल है, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। राजकुमार ने अपने इस फैसले के बारे में राजा से चर्चा की। जब राजा को यह बात पता चली तो उनका क्रोध और बढ़ गया। राजा कहने लगा, बेटे, मैंने जिस कागज को बकवास समझा उस पर मेरा बेटा इनाम दे रहा है, यह मेरी अवहेलना है। राजा ने गुस्से में राजकुमार को देश निकाला देने का आदेश दे दिया। राजकुमार चंद्रसेन अपने पिता के गुस्से और देश निकाले के आदेश से बहुत आहत हुआ। उसने सोचा था कि गरीब महिला की मदद करने की बात सुनकर उसके पिता गर्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी बिना अनुमति के खजाने से धन दिया है, यह मेरी सत्ता का अपमान है। मैं तुम्हें अपने राज्य से बाहर निकालता हूं, अब तुम कभी वापस मत आना। राजा के इस कठोर आदेश ने पूरे शाही परिवार को गमगीन कर दिया। राजकुमार सभी का प्रिय था। उसकी मां, रिश्तेदार और दरबारी सब ने उसे विदा करते समय आंसू बहाए। राजकुमार ने अपनी मां के चरण छूकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता कि कहां जाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा जिससे आप सभी मुझ पर गर्व करेंगे। चंद्रसेन ने अपने घोड़े पर सवार होकर महल से दूर निकल जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई शुरुआत की हिम्मत। वो दिन भर चलता रहा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वो एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। मकान के बाहर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो और इस समय यहां क्या कर रहे हो? चंद्रसेन ने जवाब दिया, मैं अपना देश छोड़ चुका हूं और अब एक नई जगह की तलाश में हूं, मुझे आज रात के लिए शरण चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, तुम यहां ठहर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए खाने और आराम की व्यवस्था करता हूं। चंद्रसेन को वो अंदर ले जाता है और उसे स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। सोने के लिए एक चटाई बिछाई गई। मकान के मालिक की बेटी भी उसकी सेवा में लगी हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन चंद्रसेन को अर्जुन की दी हुई पहली सलाह याद हो आई, अगर किसी अजनबी जगह पर रुको तो सतर्क रहना, तुरंत भरोसा करके सोना नहीं। चंद्रसेन ने सोने का नाटक किया, लेकिन पूरी रात जागता रहा। आधी रात को उसने देखा कि मकान मालिक की बेटी हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर उसकी ओर बड़ी चली आ रही थी। चंद्रसेन सतर्क हो गया। जैसे ही लड़की ने वार करने की कोशिश की, उसने तलवार पकड़ ली। चंद्रसेन ने तलवार छीनते हुए पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी। चंद्रसेन ने कहा, तुम्हें नहीं पता ऐसा कदम उठाने से तुम्हें कितना पछताना पड़ेगा। ऐसा ही पछतावा एक राजा को हुआ था जिसने अपने तोते को मार दिया था। लड़की ने हैरानी से पूछा, कौन सा राजा और कौन सा तोता? चंद्रसेन ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो कहानी सुना सकता हूं, पहले तुम अपनी तलवार नीचे रख दो। लड़की ने तलवार नीचे रख दी। राजकुमार ने लड़की को एक कहानी सुनाई कि ध्यान से सुनना, बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में राजा आनंदवर्धन राज करता था। वो अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास एक अद्भुत तोता था जिसे वो बहुत प्यार करता था। ये तोता केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। राजा हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले तोते से सलाह लेता था। तोता राजा के साथ हर समय रहता था। राजा अक्सर कहता था, तोता मेरे परिवार का हिस्सा है, यहां तक कि मैं अपनी रानियों से बात करने से पहले इससे सुनता हूं। एक दिन तोते ने राजा से कहा, महाराज, मेरे बेटे की शादी है, मुझे अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए 1 महीने की छुट्टी चाहिए। राजा को पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर सोचा,
तोता हमेशा मेरा साथ देता है, इसे छुट्टी देना मेरा फर्ज है। राजा ने कहा, तुम जा सकते हो लेकिन जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना मैं अधूरा सा रहता हूं। तोता अपने घर जाता है और बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करता है। शादी के बाद वो राजा के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में तोते ने दो विशेष पेड़ों को देखा। एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी फिर से जवान हो जाता था। तोता जानता था कि ये पेड़ राजा के लिए अनमोल होंगे। उसने दोनों पेड़ों की टहनियां तोड़ ली और उन्हें अपने साथ ले गया। राजा के महल पहुंचने पर तोते ने राजा से कहा, महाराज ये टहनियां मैंने आपके लिए लाया हूं, इन्हें अपने बगीचे में लगवाइए और इनके फल बड़े ही चमत्कारी और अद्भुत होंगे। राजा ने खुशी खुशी उन टहनियों को अपने शाही बगीचे में लगवा दिया। कुछ समय बाद दोनों पेड़ बढ़कर हरे भरे हो गए और उन पर फल आने लगे। एक दिन राज्य में भयंकर तूफान आया। तूफान की तेज हवाओं और बारिशों से दोनों पेड़ उखड़ गए। इसी दौरान एक जहरीला सांप भी बहकर बगीचे में आ गया। उसने इन पेड़ों की शाखाओं पर अपना जहर छोड़ दिया। जब तूफान थमा तो पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। पेड़ फिर से लहलहा उठे और उनमें फल भी आने लगे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उनकी शाखाओं में सांप का जहर है। जब पेड़ पर फल पक गए तो राजा ने सोचा, इन फलों का परीक्षण पहले किया जाना चाहिए। उसने अपने कुत्ते को एक फल खाने के लिए दिया। कुत्ते ने जैसे ही फल खाया तो वो तुरंत मर गया। यह देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, तोता मुझे धोखा दे रहा है, उसने मुझे जहरीले पेड़ लाकर दिए ताकि मैं मर जाऊं। गुस्से में राजा ने आदेश दिया, इस तोते को तुरंत मार दिया जाए। मित्रों, तोते को मारे जाने के बाद राजा को महसूस हुआ कि उसने जल्दबाजी में फैसला कर लिया है। अगले साल पेड़ों पर फिर से फल आए। इस बार शाखाओं में कोई जहर नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरता है। भूख से उसका हाल बेहाल था। उसने उसी पेड़ से एक फल तोड़ा और खा लिया। जैसे ही उसने फल खाया तो वो बूढ़ा आदमी तुरंत जवान हो गया। इस चमत्कार की खबर राजा तक पहुंची। राजा ने अपने नौकरों को पेड़ से फल लाने का आदेश दिया। राजा ने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को खाने के लिए दिए। वजीर ने जैसे ही फल खाए, वजीर तुरंत जवान होकर ताकतवर बन गया। राजा यह देखकर दंग रह गया। उसने सिर पकड़ लिया और बोला, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तोता मेरे लिए अनमोल पेड़ लाया था और मैंने उसे बिना सोचे समझे जल्दबाजी में मार दिया। वो तो मेरे सबसे बड़े भले के लिए काम कर रहा था। हाय तोता, ऐसा तोता कहां मिलेगा। राजकुमार चंद्रसेन ने ये कहानी यहीं पर खत्म की और लड़की से कहा कि वो राजा अपने तोते के लिए सिर पीट पीट कर पछता रहा था। अगर राजा ने अपनी गलती से पहले सच समझ लिया होता तो वो अपने तोते को खोने का पछतावा नहीं करता। मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी कहानी ने मेरी आंखें खोल दी है। मित्रों, राजकुमार की कहानी सुनते सुनते सुबह हो चुकी थी। घर के बाकी लोग जाग गए। लड़की के पिता ने राजकुमार से कहा, एक दिन हमारे यहां और ठहर जाओ, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है। राजकुमार ने उनकी बात मान ली और एक दिन और वहां रुकने का फैसला किया। लेकिन उसे पता नहीं था कि अगली रात उसके लिए एक नई चुनौतियां लेकर आएगी। दोस्तों, पिछले दिन की तरह से उसका उस दिन भी खूब शान शौकत से खातिर की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। मकान मालिक की बेटी ने भी फिर उसकी सेवा की। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया क्योंकि उसे डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करेगी। आधी रात को फिर लड़की उठी और हाथ में तलवार लेकर राजकुमार की ओर झपटी। राजकुमार तो जाग रहा था, वो तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, मुझे मत मारो, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। उसने पूछा, कैसा आदमी और कैसा कुत्ता। राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार इधर दे दो, तब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था।
उसके पास एक पालतू कुत्ता था। अचानक वो अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 10,000 का कर्ज लिया था और उससे एक नया काम शुरू किया था। कुछ समय बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से थोड़ा सा सामान उसकी दुकान में बचा था। कुत्ते को पता चली कि वहां क्या हो रहा था। वो चोरों के पीछे दौड़ गया। उसने वो जगह देख ली जहां उन चोरों ने वो चोरी का सामान छिपाया था और घर वापस आ गया। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। उधर कुत्ता बराबर मालिक की कमीज और पाजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे वो उसे घर से बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने सलाह दी, ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, सो उसे उसके पीछे चलना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे चल दिए। कुत्ता उन्हें वहां से ले जाता है जहां चोरों ने उनका माल छिपा रखा था। उस जगह जाकर कुत्ते ने जमीन खुरचनी शुरू कर दी और भौंकना शुरू किया और ये बताने की कोशिश की कि सामान यहां नीचे छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी, सब सामान वैसा के वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेटा और उसे उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि कुत्ता बहुत वफादार है और इस वफादारी के लिए वो उसके 10,000 रुपए माफ करता है और इनाम के तौर पर 1,000 रुपए और भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है, मैं कहां से उसे पैसे दूं? उसे पैसा अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। मैं ऐसा करता हूं, जैसे ये कुत्ता मेरे घर आता है मैं इसे मार देता हूं और कह दूंगा कि इसे किसी और ने मार दिया है, इससे मेरा कर्जा ही खत्म हो जाएगा, ना होगा कुत्ता ना रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वो घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार डाला। तभी उसके दाएं कान से एक कागज नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने वो कागज उठाया और पढ़ा तो बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसीलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी जिंदगी की कीमत अपनी जिंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, अब मैं क्या करूं, 1 घंटे बाद दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यकीनन मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वो मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने शापित घर से बाहर निकालने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो, बाहर हमें कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा, हम उस पर बैठकर जल्दी यहां से भाग चलेंगे। आओ चलो मेरे साथ, 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक हम घर के लोग सोकर उठेंगे तब तक तो हम काफी दूर निकल चुके होंगे। मित्रों, राजकुमार उस मकान मालिक की बेटी को लेकर दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे जब तक कि वे राजकुमार के एक दोस्त के घर जा पहुंचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उससे वहां से जाने की इजाजत मांगी तो उसने उसे जवाहरात, पैसे, घोड़े और सफर के लिए जरूरी सामान देकर विदा किया। राजकुमार चंद्रसेन अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपने बहनोई के राज्य में पहुंचा। उसने अपने लिए एक नई योजना बनाई। वो जानता था कि अपनी असली पहचान छिपाना ही बेहतर होगा, इसलिए उसने एक जोगी का भेष धारण कर लिया। सिर पर चीरों की पगड़ी बांधी, साधारण कपड़े पहने और अपने चेहरे पर तपस्वी का भाव रखते हुए वह महल के सामने जाकर बैठ गया। राजा के महल के बाहर उसने ऐसा दिखावा किया मानो वो गहन ध्यान और पूजा में लीन हो। जल्दी ही महल के नौकरों और दरबारियों ने उसे देखा और उसकी चर्चा राजा तक पहुंचाई। इस राज्य के राजा की रानी मृदुला कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थी। राजा ने उसे ठीक करने के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। जब राजा ने जोगी राजकुमार की पूजा और तपस्या की खबर सुनी तो उसने सोचा, शायद ये तपस्वी मेरी रानी को ठीक कर सके। राजा ने अपने कुछ नौकरों को जोगी के पास भेजा।
उन्होंने जोगी से विनती की, महात्मा जी हमारे राजा आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया महल में पधारिए। लेकिन राजकुमार जो अब जोगी के रूप में था, उसने विनम्रता से कहा, मैं एक जोगी हूं, मेरी जगह महल में नहीं बल्कि बाहर है। अगर राजा मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद बाहर आना होगा, साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आना पड़ेगा। राजा ने यह संदेश सुना और तुरंत अपनी पत्नी को लेकर महल के बाहर आ गया। उसने जोगी से अपनी समस्या बताई। राजकुमार ने रानी को देखा और कहा, रानी को यहां मेरे सामने लेटकर प्रणाम करना होगा और उन्हें 3 घंटे तक इसी अवस्था में रहना होगा, तभी उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकेगा। रानी राजा की सहमति से जोगी के निर्देशों का पालन करने लगी। 3 घंटे बाद जोगी ने रानी से कहा, अब उठ जाइए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं। रानी ने उठते ही खुद को हल्का और स्वस्थ महसूस किया। वो राजा के साथ महल में लौट गई। राजा और रानी दोनों ने जोगी का धन्यवाद किया। शाम को महल में हल्ला मच गया कि रानी की बहुमूल्य मोतियों की माला, जिसे वो हमेशा पहनती थी, गायब हो चुकी है। राजा ने तुरंत महल के लोगों से माला ढूंढने को कहा। कुछ देर बाद नौकरों ने माला उसी जगह पर पाई जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसे प्रणाम किया था। राजा को शक हुआ और उसने गुस्से में कहा, यह जरूर उसी योगी का काम है, उसने मेरी पत्नी को ठीक किया है, लेकिन मेरी संपत्ति चुराने का इरादा भी रखता है। गुस्से में राजा ने आदेश दिया, जोगी को गिरफ्तार करो और उसे फांसी पर लटका दो। मित्रों, राजकुमार को जैसे ही इस आदेश का पता चलता है, उसने तेजी से भागने का फैसला किया। उसने फांसी देने वाले सैनिकों को चुपचाप कुछ पैसे दिए और रातों रात उस राज्य से निकल गया। राजकुमार अपनी यात्रा में आगे बढ़ा। चलते चलते वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कुम्हार अपने परिवार के साथ बैठा है। कुम्हार कभी जोर जोर से हंसता था तो कभी रोने लगता था। यह दृश्य देखकर राजकुमार चौंक गया। उसने कुम्हार से पूछा, आप कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, क्या बात है? अगर खुश है तो सिर्फ हंसिए, अगर दुखी है तो रोइए, ये दोनों चीजें एक साथ क्यों? कुम्हार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम मुझे परेशान मत करो। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर बताने में कोई आपत्ति ना हो तो कृपया बताइए। कुम्हार ने दुखी मन से कहा, इस राज्य के राजा की एक बेटी है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो अभिशप्त है। जिसने भी उससे शादी की, वो शादी की पहली ही रात में मर जाता है। अब तक सैकड़ों युवक मारे जा चुके हैं, अब हमारी बारी है। आज मेरे बेटे की शादी उसी राजकुमारी के साथ होने वाली है। हम इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि यह सोचकर हमें गर्व होता है कि मेरे बेटे की शादी राजा की बेटी से है, और हम रोते इसलिए हैं क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि वो सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा। हमें नहीं पता हम क्या करें। राजकुमार ने कुम्हार की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे की जगह उस राजकुमारी से शादी करूंगा और तुम्हारा बेटा बच जाएगा। कुम्हार चौंक गया और बोला, तुम ये जोखिम क्यों उठाना चाहते हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जीवन में जोखिम ही हमें असली जीत दिलाते हैं। बस मुझे शादी के लिए अच्छे कपड़े और गहने बनवा दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। कुम्हार ने राजकुमार की बात मानी। उसने उसके लिए शानदार कपड़े और गहने तैयार करवाए। अगले दिन राजकुमार को तैयार कर महल भेज दिया गया। राजकुमारी से शादी हुई और शादी की रात राजकुमार चंद्रसेन को राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। कमरे में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण रात नहीं होगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं भी उन अन्य युवकों की तरह मारा जाऊंगा? लेकिन मुझे डरने की बजाय तैयार रहना होगा। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और बिस्तर पर बैठ गया। उसने ठान लिया कि वो सोएगा नहीं और पूरी रात जागकर देखेगा कि राजकुमारी के कमरे में क्या रहस्य छुपा है। दोस्तों, रात के बीच में जब चारों ओर सन्नाटा था, राजकुमार ने देखा कि राजकुमारी के पास 2 विशाल काले सर्प निकले हैं। वे फुकारते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। राजकुमार समझ गया कि यही वे सांप हैं जिन्होंने पहले के युवकों की जान ली है। लेकिन चंद्रसेन पहले से तैयार था। उसने अपनी तलवार मजबूती से थामी और जैसे ही सांप बिस्तर के पास पहुंचे, उसने तेजी से उन पर वार किया। दोनों सांप वहीं ढेर हो गए।
कमरे में खून फैल गया, लेकिन राजकुमार ने साहस और धैर्य नहीं छोड़ा। उसने अपनी तलवार साफ की और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जब राजा ने अपनी बेटी और राजकुमार की खोज खबर लेने के लिए अपने सेवकों को भेजा तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजकुमार अभी भी जिंदा है। वो न केवल जिंदा था बल्कि राजकुमारी के साथ आराम से बात कर रहा था। राजा तुरंत कमरे में आया और उसने कहा, हे युवक, तुम कौन हो और यहां कहां से आए हो? राजकुमार ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं पड़ोसी देश का राजकुमार चंद्रसेन हूं। मैंने सुना था कि आपकी बेटी के साथ शादी करने वाले युवकों की मृत्यु हो जाती है। मैंने ये चुनौती स्वीकार की और आज आपके सामने जीवित खड़ा हूं। राजा ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम सच में बहादुर हो, मेरी बेटी का पति बनने के लायक तुम ही हो, क्योंकि तुमने इस परीक्षा को सफल किया है। अब तुम मेरे दामाद और मेरे राज्य के उत्तराधिकारी हो। राजकुमार ने कुछ समय राजा के महल में बिताया। एक साल तक वो अपने ससुराल में रहा। उसने न केवल राज्य के लोगों का दिल जीता बल्कि अपनी बुद्धिमानी और साहस से राज्य की प्रगति में योगदान दिया। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, अब मुझे अपने माता पिता और राज्य लौटना होगा। मैं अपने परिवार को बहुत याद कर रहा हूं। राजा ने उसे ढेर सारे उपहारों के साथ विदा किया। उसने कहा, यह धन, हाथी, घोड़े और जवाहरात तुम्हारे परिवार के लिए है। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। दोस्तों, रास्ते में राजकुमार अपने बहनोई के राज्य से होकर गुजरा। जब वहां के राजा को राजकुमार के आगमन की खबर मिली तो उसने खुद राजकुमार से मिलने का फैसला किया। राजा चंद्रसेन के सामने हाथ जोड़कर आया और बोला, आपने हमारे राज्य को पहले छोड़ा था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप हमारे महल में ठहरिए। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उसकी विनम्रता स्वीकार की और महल में ठहरा। महल में रहते हुए उसने अपनी बहन से मुलाकात की। उसने उसे नमस्ते करते हुए कहा, मुझे याद है कि जब मैं पहले यहां आया था तब मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मैं खुश हूं कि सब कुछ ठीक है। राजकुमार ने अपनी बहन को उपहार में 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सैनिक और 10 लाख रुपए के जवाहरात दिए। इसके बाद वो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है जिसने कठिन समय में उसकी मदद की थी। उसने दोस्त को बुलाया लेकिन वो मिलने नहीं आया। दोस्त ने संदेश भेजा, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मिलने नहीं आ सकता। यह सुनकर राजकुमार खुद दोस्त के महल पहुंचा। उसने कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं, तुम्हारी मदद के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। यह धन तुम्हारे लिए है, इसलिए स्वीकार करो। आखिरकार राजकुमार अपने राज्य लौट आता है। उसने अपने माता पिता के बारे में सुना कि वे उसकी जुदाई में अंधे हो गए थे। जब वो महल पहुंचा तो उसने सबसे पहले माता पिता के चरण छुए। बूढ़े माता पिता ने उसे गले लगाया। राजकुमार ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, माता पिता, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उन्होंने अपने बेटे को देखकर खुशी से आंसू बहाए। राजकुमार ने अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने ब्राह्मण की दी हुई 4 बातों का पालन करके कठिन से कठिन मुश्किलों का सामना किया। राजा जो उसे देश निकाला दे चुका था, उसने अपनी गलती पर गहरा पछतावा व्यक्त किया। अब पूरा परिवार फिर से साथ में था। राजकुमार अपनी पत्नी, माता पिता और राज्य के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस तरह चंद्रसेन का साहस और बुद्धिमानी उसे हर संकट से बचा ले गई। इस कहानी से सीखने वाली ये बातें हैं। पहली, धैर्य और साहस सबसे बड़ी ताकत है। कठिन समय में भी राजकुमार ने धैर्य और साहस बनाए रखा, जिससे हर चुनौती का समाधान निकला। दूसरी, अच्छी सलाह का पालन करें। ब्राह्मण की दी हुई 4 सलाहों ने राजकुमार को सही निर्णय लेने और कठिन परिस्थितियों से बचने में मदद की। नंबर 3, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। राजा ने तोते को बिना सच जाने मार दिया और पछताना पड़ा। यह सिखाता है कि हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। नंबर 4, वफादारी और कृतज्ञता निभाएं। राजकुमार ने मदद करने वालों को धन्यवाद दिया और उनका सम्मान किया। यह रिश्तों को और मजबूत बनाता है। नंबर 5, परिवार और अपनों का साथ सबसे मूल्यवान है। सभी संघर्षों के बाद राजकुमार ने अपने माता पिता और परिवार को प्राथमिकता दी, जिससे उनका जीवन फिर से सुखद हो गया। तो दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूं यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।